हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और ये जो हम नया जो शुरू कर रहे हैं वो आपसे मैं हफ्ते में शायद एक बार या दो बार मुखातिब होंगी और मैं आपको अपने लाइफ की और अपने फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में बताऊँगी और कुछ अनकहे शब्द, कुछ अनलिखे चिट्ठियाँ, मतलब जो चीज़ें मेरे जहन में थी और मैं नहीं कह पाई या अपनी ज़िंदगी के इस जर्नी के दौरान जो मैंने महसूस किया लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, वो सब भी इस वीडियो के ज़रिए या ऐसे वीडियोस के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोग सब मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मई 2020 में 32 साल हो जाएंगे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आके, और 32 साल हो जाएंगे। इस दौरान मैंने 150 फिल्मों से ज़्यादा की हैं, फिल्में की हैं, 110 फिल्में की हैं, 50 से ज़्यादा सीरीज़ की हैं, 3 पॉप एल्बम्स किए हैं, 600-700 शोज़ किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम सेइंग लाइक यू नो फिल्म स्टार शोज जैसे होते हैं वैसे, एंड उसके अलावा मैंने एज अ प्रोड्यूसर कर्मा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट एज अ प्रोड्यूसर मैंने एक भोजपुरी फिल्म बनाई, मैंने एक टॉक शो बनाया, बहुत कुछ किया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड और कहाँ से मेरी शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में। मैं दिल्ली में रहती थी और मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मेरा एक बच्चा था उस वक्त और मैं एक कस्टडी बैटल लड़ रही थी बच्चे की कस्टडी के लिए, तो वो मेरा बड़ा बेटा जो है उसके लिए मैं एक कस्टडी बैटल चल रहा था और मुझे मेरे लॉयर्स जो थे उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब थे और 2-3 लॉयर्स थे, आनंद थे और तालिब लूथरा एसोसिएट्स करके एक लॉ फर्म था जो मेरा ये केस हैंडल कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से बाहर जाके अपनी एक दुनिया बसाइए क्योंकि ये केस बहुत लंबे चलते हैं। तब हमको कोर्ट का और कुछ समझ नहीं था और उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी, तो कोशिश की कि भाई मॉडलिंग कर रही थी मैं, थोड़ी सी पैसे कमा रहे थे हम लोग, मेरे दोनों बहनें हम लोग दिल्ली में रहते थे, मेरी बहन जो मुझसे 1 साल छोटी है वो फैशन डिज़ाइनर थी और हम काफ़ी मतलब मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी क्योंकि सब लोग स्ट्रगल करते हैं और मैं अपने कोई स्ट्रगल को ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहती। मैं मॉडलिंग करती थी, मैं एक जॉब भी कर रही थी और इस दौरान मॉडलिंग एजेंसी से मुझे पता चला कि भाई कुछ ऑडिशंस देने हैं, तो मैं एक बार मुंबई भी आई। जब पहली बार मुंबई आई तो उस टाइम हेमंत बिरजे जी थे जो थे वो बहुत फेमस स्टार थे और उनके साथ ऑपोजिट मुझे एक फिल्म मिली थी और वो उस वक्त के बड़े स्टार थे, तो उन्होंने फ़ोटोशूट तो किया लेकिन उन्होंने फिर उस्मान खान करके प्रोड्यूसर थे उनको कहा कि अरे आप नई लड़की क्यों ले रहे हैं, मैं किमी काटकर से बात करता हूँ, यू नो। तो मेरा वहाँ से पत्ता कट गया और मैं वापस आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कुछ नहीं होने वाला है। खैर कुछ महीने गुजर गए, उसके बाद मैं एक जहाँ पर जॉब कर रही थी जो अब ललित होटल्स हैं वो उस वक्त हॉलीडे इन था और मैंने सेल्स पर्सनल की ट्रेनिंग लेना शुरू किया और वहाँ से मुझे एक जो हाँ वहाँ के जो मैनेजर थे उस टाइम हमारे जो हमको जो सब मतलब जो हमारे बॉस थे शशि पंचोली जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुंबई मुझे शिफ्ट करना है तो आप मुझे मुंबई में कोई नौकरी के लिए रेकमेंड कीजिए। तो उन्होंने ताज के जो जनरल मैनेजर हैं जो ताज कोलाबा, उस जनरल मैनेजर से बात की और उनके लिए एक चिट्ठी लिखी। अब मैं फ़्लाइट पर जा रही हूँ और मैं फ़्लाइट पर हूँ और उस फ्लाइट पर मुझे असरानी साहब दिख गए और देखा, मैंने उनको हेलो किया एयरपोर्ट पे और उन्होंने भी मुझे हेलो किया, उन्होंने नोटिस किया कि लंबी लड़की मतलब उस टाइम आई वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड एंड दुबली पतली थी तो और काफ़ी टॉल भी दिखती थी, बहुत ज़्यादा टॉल दिखती थी, आप जब पतले होते हैं ज़्यादा टॉल दिखते हैं। तो असरानी साहब से हेलो हाय मतलब नमस्ते किया और हम लोग फ्लाइट चढ़े और उसी फ्लाइट पर वो भी थे, वो बिज़नेस क्लास में थे, मैं इकोनॉमी में थी। तो मैंने एयरोस्टेस से कहा कि मुझे उनसे बात करनी है क्योंकि उस वक्त मैं और मेरी बहन एक इनकी वाइफ की जो सीरियल थी मंजू असरानी जी की सीरियल थी कश्मकश, उसके अलग अलग एपिसोड्स विमेन एम्पावरमेंट के स्टोरीज़ के ऊपर होते थे दूरदर्शन पे आता था, हम वो स्टोरीज वो सीरियल हम लोग देखते थे दूरदर्शन पे। तो मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि भाई
आपकी मैं वाइफ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि जो ये बना रही हैं। तो असरानी साहब ने वो एरोसिस को कहा उनको आगे भेजिए, मैंने उनको नोट लिख के भेजा कि सर आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैं आगे गई, उनसे बात की और मैंने कहा प्लीज़ मंजू जी को कहिए कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। अर्चला नागर जी वो कहानियाँ लिख रही थी उस टाइम, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो असरानी साहब ने मुझे कहा कि आप ये बात मंजू जी से खुद कहिए। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। अगले दिन सुबह मैं होटल में चेक इन कर गई रात को। फिर मैंने अगले दिन सुबह उनको फ़ोन किया क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो 4 बजे था ताज में। तो मैं बैंड्रा में एक होटल है, उस टाइम था रॉयल इन, जो अब मेरे दोस्त हैं वो जो ओनर हैं, ओनर थे उस टाइम टोनी सचदेव, तो उस होटल में थी। और मैंने वहाँ से मंजू जी को फ़ोन किया, मंजू जी को सुबह फ़ोन किया। तो मंजू जी ने मुझे कहा कि तुम आके मुझसे मिलो। तो थोड़ी सी हैरान थी, और आज की तारीख में क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही नंबर भी दिया और मेरी बात भी हुई और मंजू जी ने मुझे अपने पास बुलाया। तो बस कहानी वहाँ से शुरू हुई। और जब अपने पास बुलाया तब उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि तुम एक्टर बनना चाहती हो? मैंने कहा हाँ बनना तो चाहती हूँ, मैंने थोड़ा दूरदर्शन में थोड़ा सा दिल्ली में किया है शूटिंग वगैरह, लेकिन यहाँ पर मैं किसी को जानती हूँ। तो बोले एक काम करो, बिमल रॉय जी हैं उनकी बेटी हमारे इस कश्मकश की जो सीरीज़ है उसकी ड्रेस डिज़ाइनर है और वो पूरा शो को कंसेप्चुलाइज करती हैं, आप जाके उनसे मिलो क्योंकि मुझे आप जैसी लड़की की ज़रूरत थी अपने एक कहानी के लिए जिसका कोई इमेज ना हो, जो भरतनाट्यम डांसर हो और डांस जानती हो। तो मैंने कहा लेकिन मुझे मतलब आई कॉन्ट एक्ट इन दिस इन अ सीरीज, मतलब माई फादर विल गेट वेरी एंग्री एंड आई नीड अ जॉब, मेरे को रेगुलर जॉब चाहिए। तो बोले तुम पहले जाओ तो सेव के पास, और मैं वहाँ चली गई, वहाँ पहुँची। तो मैं शकुंतला जी के पास बिमल रॉय जी के बंगलों पे पहुँची, और आप सोच सकते हैं कि जो इंसान मुंबई में कभी रहा नहीं और बिमल रॉय जी का नाम हमने सुना, इतने ग्रेट फिल्म मेकर, उनके बंगलों पर बैंड स्टैंड पे जहाँ शाहरुख खान जी का भी बंगला है ना, उसके पास उनका बंगला था। और मैं गई दिस ह्यूज लवली ब्यूटीफुल बंगलो, और वहाँ गई और शकुंतला जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोले चलो बाल बांधो, मैंने पोनीटेल में बाल बांधा, उन्होंने कुछ यहाँ पे एक ज्वेलरी का पीस लगाया, यहाँ लगाया, माथे का टीका लगाया, सर पे दुपट्टा लगाया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन, तब तो मोबाइल फ़ोन थी नहीं, तो उन्होंने लैंडलाइन से फ़ोन किया और बोला मंजू हमको मिल गई है परफेक्ट, जो हमारे कैरेक्टर के लिए, जो जिस तरह की कैरेक्टर के लिए हमको लड़की चाहिए हमको मिल गई। उन्होंने फिर मंजू जी से बात की और फिर मंजू जी ने मुझे कहा कि आप उनको वापस भेजिए, उनकी गाड़ी मेरे पास थी, गाड़ी और ड्राइवर के साथ मैं वापस गई। और मैंने कहा मुझे 4 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है ताज कोलाबा में। तो उन्होंने कहा देखो, और उनको मैंने पूरी अपनी बैक स्टोरी बता दी थी, जब हम लोग पहले जब हम सुबह मिले थे तब मैंने सब बता दिया था। तो मुझे बोला देखो आप एक काम करो, 4 दिन की शूट है और जो 4 दिन में तुम कमाओगी वो तुम 4 महीने में नहीं कमा पाओगी, और जो तुम्हारा सपना है कि तुम अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हो, अपने साथ अपने बेटे को रख के उसके साथ, मतलब यू वांट टू हैव स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ योर सन, तो वो जल्दी पॉसिबल होगा। मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है परसों शूट के लिए निकलना है और ऐसा कह रहे हैं, मैं क्या करूँ, डैडी को बताऊँ कि नहीं? तो मेरी बहन ने बोला जाओ तुम पहले शूट कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। एंड डे आफ्टर, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे डे आफ्टर मैं निकल गई पूना। हम लोग ने ग्वालियर पैलेस करके एक वहाँ पूना में है, गायकवाड पैलेस या ग्वालियर पैलेस, आई डोंट रिमेंबर, बट या देयर वी शॉट द होल एपिसोड, 4 डेज वी शॉट द होल एपिसोड। उसमें सुधीर पांडे जी थे, रमा विज जी थी और सत्यम डांस मास्टर थे। सुबह 5 बजे से उठ के फिर डांस के रिहर्सल पे 6 बजे जाना, 6 से 8 रिहर्सल करना, 8 बजे मेकअप पे बैठना, मेकअप पे फिर सारा दिन शूट करते करते फिर 12 बजे पैकअप होता था और फिर 12 बजे जाके एकदम थक कर सो जाना और फिर 5 बजे उठता। तो ऐसा 4 दिन चलता रहा। और जब ये हुआ तब मुझे, जब मैं 4 दिन बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के बॉम्बे के लिए वापस रवाना हो रही थी, उस टाइम बॉम्बे था नाम, बॉम्बे के लिए वापस रवाना हो रही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ है मेरा तो एक केस चल रहा है कोर्ट में और 4 दिन मैं रोते हुए नहीं सोई हूँ, मैं तो हर रोज़ मैं रोते रोते सो जाती थी। और वो 4 दिन मुझे लगा कि देखो कहीं ना कहीं भगवान चाहता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ। उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं अपने आप को 2 साल दूंगी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, और दैट इज़ हाउ माई जर्नी इन द फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड।